नमस्कार, मैं हूं देवांशलि मोइत्रा। मध्य प्रदेश में 28 नवंबर को बम्पर वोटिंग के साथ ही जहां चुनावी शोर थम चुका है, तो वहीं अब सभी पार्टियों को 11 दिसंबर को आने वाले नतीजे का इंतजार है। लेकिन इस चुनाव में राज्य की दो पार्टियों कांग्रेस और बीजेपी के बीच जमकर चले जुबानी तीर के अलावा एक और खास बात देखने को मिली। दरअसल बीजेपी ने चुनाव के दिन यानी 28 नवंबर को लोगों से वोट डालने की अपील की थी, जो अमूमन हर पार्टियां करती हैं। लेकिन जो बात अलग देखने को मिली वो ये थी कि बीजेपी के विज्ञापनों में मध्य प्रदेश की जनता से 90% वोटिंग करने की अपील की गई थी, 100% नहीं। बीजेपी के विज्ञापनों को कांग्रेस नेता कमलनाथ के बयान से जोड़कर देखा जा रहा है। सबसे पहले आप चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस नेता कमलनाथ के एक वायरल वीडियो को देखिए, जिसमें वो मुस्लिम समुदाय से कह रहे हैं कि पोलिंग बूथ पर 90% मतदान क्यों नहीं हुआ। बड़ी अच्छी बात की गई इन्होंने, मतदान कितने प्रतिशत मतदान होता है। मेरी तो आपसे विनती ये है कि आप पिछला रिकॉर्ड देख लीजिए, ये तो आज सब इंटरनेट पर है, चालू तुम निकाल कि जो मुसलमान बूथ है वहां कितने प्रतिशत मतदान हुआ, और अगर वहां 50-60% हुआ, ये क्यों हुआ 60%, 90% क्यों नहीं हुआ, इसका पोस्टमार्टम पिछले चुनाव का करना बहुत जरूरी है। आप कहें हम करा देंगे 80-90%, आज मुसलमान समाज की अगर 90% वोट नहीं पड़े तो हमें बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। आप तो 80 की बात कर रहे हो, मैं तो 90 की बात कर रहा हूं, और हमारे सामने आंकड़े हैं, ये आज सब आंकड़े हैं कि आप जानते हैं कि आपके यहां कौन से मोहल्ले में, अगर तुम्हारी नगर पालिका क्षेत्र में, मैं उदाहरण के रूप में कह रहा हूं, तुम जानते हो कहां मुसलमान बूथ है, वहां उस बूथ में कितने प्रतिशत मतदान हुआ। अगर वहां मतदान हुआ है 60%, तो कोई कारण होगा, कोई बड़ा कारण होगा। बीजेपी की ओर से वोटिंग के लिए 90% मतदान करने की अपील के पीछे कमलनाथ के इसी बयान को माना जा रहा है। बीजेपी चाहती थी कि लोगों से 90% मतदान करने की अपील कर कमलनाथ के बयान की लोगों को याद दिलाई जा सके। यही वजह रही कि सोशल मीडिया से लेकर विज्ञापनों तक में बीजेपी ने मतदाताओं से 90% मतदान देने की अपील की। बीजेपी ने ट्वीट कर कहा था, आज वक्त है हर बूथ पर, हर मोहल्ले में, हर शहर, हर गाँव में 90% मतदान की शक्ति दिखाने का, प्रदेश के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने का। कमल का बटन दबाइए, तुष्टिकरण की राजनीति को उल्टे पांव लौटाइए। बहरहाल एमपी में इस बार 75% से भी ज्यादा मतदान हुए हैं, जिसे बीजेपी और कांग्रेस अपने अपने पक्ष में मान रही है। फिलहाल अब देखना यह है कि 11 दिसंबर को जब नतीजे आते हैं तो कौन बाजी मारता है।